वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मुल्तानी मिट्टी से एक फेस पैक बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करती है और स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट देती है। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन ड्राई होती है वो इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। आप किसी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में, तो आप इसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करना है। मुल्तानी मिट्टी हमने 1 टेबलस्पून ली थी। इन दोनों को चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसके बाद हम जो इसमें थर्ड चीज़ ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स आप सबको पता है। स्किन को स्मूथ करेगी, सॉफ्ट करेगी और ग्लोइंग करेगी। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बाजारी एलोवेरा जेल नहीं है तो आप घर का फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैक आप समर और विंटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। अगर आप चाहते हैं आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और ये अच्छे से वर्क करे आपकी स्किन पे, तो आपने स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। लाजमी आपने इस बैग को बना के 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अगर आपको लगे आपका पैक ज़रा ठीक है, अभी गाढ़ा है, तो आप इसमें हंसपे ज़रूरत दूध और ऐड कर सकते हैं। रॉ मिल्क हमने यूज़ करना है, बॉयल मिल्क हमने यूज़ नहीं करना। रॉ मिल्क हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फ़ौरन भी इसको बना के अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको फ़ौरन ही लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल स्मूथ सा टेक्स्चर है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये आ चुका है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इस पैक को बना के ओवरनाइट रख दें और सुबह उठ के अपने क्लीन फेस पर इसको अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट तक इसको लगा रहने दें। हफ्ते में कम से कम 2 बार इसको लाजमी इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने फेस को वॉश करने के बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।